हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त है ना क्लास लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन। तो हम लोग कांग्रेस की स्थापना पढ़ चुके हैं, कांग्रेस के पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा, मज़ेदार वीडियो है, ठीक ना? ध्यान से पढ़िएगा। तो ये सबसे पहले कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, है ना? कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग आज तीसरी अधिवेशन की चर्चा करेंगे। अच्छा, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, उस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता मतलब उस दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे, है ना? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चर्चा करते हैं बद्रुद्दीन तैयब जी के बारे में और कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन के बारे में, है ना? तो समझिए कि बद्रुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बद्रुद्दीन तैयब जी की अगर तारीफ किया जाए तो ये व्यक्ति पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वकालत की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है? अगर भारतीय व्यक्ति अगर वकालत की पढ़ाई करने वाला कोई था सबसे पहला, तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी, ठीक है? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। और ये बम्बई के जो कोर्ट था, उस कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर थे। तो जब वो न्यायाधीश के पद पर थे तो तिलक पर लगा था मुकदमा, समझे? राजद्रोह का मुकदमा। तो उस समय तिलक को, कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक को, है ना? बाल गंगाधर तिलक को जमानत पर छोड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है? और इनकी तारीफ सुनिए, इनके पत्नी का नाम है सुरैया तैयब जी। क्या नाम है? सुरैया तैयब जी। ये सुरैया तैयब जी कौन है? आपने झंडा समिति का नाम सुना होगा, है ना? तो झंडा समिति जो बना था कि देश में झंडा हो, देश का एक झंडा हो, इसकी मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। और जब महात्मा गांधी ने देश के झंडा के बारे में मांग किया था तो बहुत सारे लोग झंडा का डिजाइन बना बना करके देने लगे, है ना? तो उनमें पिंगली वेकैया का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है? तो उस झंडा में, झंडा बनाने वाले, चूंकि झंडा समिति में अध्यक्ष जो थी पिंगली वेकैया थी, मेन थी, इसलिए उसका नाम आता है। लेकिन हमारा जो अभी झंडा जो चल रहा है, तिरंगा झंडा, है ना, उस तिरंगा झंडा को जो लास्ट डिजाइन जो तैयार की थी, वो तैयार करने वाली कौन है? सुरैया तैयब जी है, समझे? सुरैया तैयब जी है, इन्हीं का नाम लिया जाता है, है ना? तो एक अंग्रेज राइटर है जिन्होंने अपने पुस्तक है उनका लास्ट राज करके पुस्तक है उनका, लास्ट मिस्ट्री। तो उसमें जो है उन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है, कि फाइनल जो झंडा का डिजाइन है वो कौन तैयार किया? सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था, ठीक है? ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि झंडा का डिजाइन कौन तैयार किया था? पिंगली वेकैया तैयार किया, नहीं, लेकिन फाइनल जो झंडा हुआ वो कौन? सुरैया तैयब जी, ठीक है? ध्यान से। तो बाद में ये बद्रुद्दीन तैयब जी ICS अधिकारी भी बनते हैं, ठीक है? ICS की परीक्षा भी देते हैं, समझिए कि कितना विद्वान व्यक्ति थे। और हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो कांग्रेस के जो सदस्य थे, वो सदस्य 9 प्रस्ताव पास किए थे। कितने प्रस्ताव पास किए थे? 9 प्रस्ताव पास किए थे। उन 9 प्रस्तावों में इनकी जो डिमांड थी वो डिमांड रखे थे,
है ना, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, और उस दूसरे अधिवेशन से अंग्रेजों को खटकने लगा, दूसरे अधिवेशन से अंग्रेजों को खटकने लगा कि ये कांग्रेस जो है हमारे हाथ से बाहर जा रही है ना। तब उन्होंने सर सैयद अहमद खां का सहारा लिया, और उस याद कीजिए डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है अल्प संख्यक यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म लोगों की एक संस्था है, कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की एक संस्था है, मुट्ठी भर लोगों की एक संस्था है, ठीक है। वही डफरिन जो कांग्रेस के स्थापना होने पर बधाई दिया था, गार्डन पार्टी दिया था, है ना, और बाद में क्या कह रहा है कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है। अब अंग्रेज हिंदू और मुसलमान में फूट डालना चाहते थे, है ना, तो उन्होंने एक नारा गढ़ा, नारा गढ़ा, क्या गढ़ा कि अंग्रेज मुस्लिम भाई भाई, है ना, इंग्लिश मुस्लिम भाई भाई, समझिए क्यों भाई भाई, तो हम भी विदेशी हैं और तुम भी विदेशी हो, इसलिए भाई भाई, है ना। चूंकि अब समझिए, चूंकि अंग्रेज जो है वो भी अल्पसंख्यक में है और मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में है और बाकी लोग यहां पे बहुसंख्यक हैं, तो अगर ज्यादा लोगों को आपको अगर मनाना होगा मनाइएगा तो आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अगर कम लोगों को मनाइएगा तो जल्दी परिश्रम में वो मान जाएगा, इसलिए टारगेट किया गया मुस्लिम को, ठीक है। हालांकि मिला किसी को कुछ नहीं, लेकिन उसको बुलाया गया कि हम दोनों तो एक हैं, है ना। और सर सैयद अहमद खां जो कि कांग्रेस जो कि पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, उन्होंने यहां तक भी कहा था कि वो पहले कोर्ट के अंदर जो है जनेऊ भी पहनते थे, समझे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के वो कट्टर समर्थक थे, लेकिन बाद में उनके दिमाग में ऐसा जहर डाल दिया गया जिससे वो कांग्रेस में मुसलमान को शामिल नहीं होने देना चाहते थे, वे कहते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, उसमें मुस्लिम को शामिल होने की जरूरत नहीं है, ये अंग्रेज का सब चाल था। तो उन्होंने अलग से आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, और मुस्लिमों को मना करने लगे, डाइवर्ट करने लगे कि आपको कांग्रेस में शामिल नहीं होना है। तो कांग्रेस के सदस्यों ने देखा कि भाई ये तो बड़ी गलती हो गड़बड़ हो रही है ना, ये अंग्रेजों का चाल अगर सफल हो गया तो ये देश को और ज्यादा बांट देगा, ठीक है, इसे शोषण और बढ़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने यह तय किया कि अब कोई मुस्लिम अध्यक्ष को बनाया जाए ताकि मुस्लिम को ये लगे कि नहीं, वहां मुस्लिम की भी चलती है, सिर्फ हिंदुओं की नहीं चलती है, है ना। तब जो है बद्रुद्दीन तैयब जी को चुना गया अध्यक्ष के रूप में। तो ये बद्रुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बद्रुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा बद्रुद्दीन तैयब जी। और यह जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में 607 लोगों ने भाग लिया था, कितना लोगों ने भाग लिया था, 607 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन में कितना लोग भाग लिया था यह आप लोग कमेंट में बताना है, है ना। और यह जो है इसमें सबसे पहली बार जो है ये बद्रुद्दीन तैयब जी ने मुस्लिमों से यह आग्रह किया, ठीक है, मुस्लिमों से आग्रह किया कि आप लोग कांग्रेस में शामिल हों और आप लोग जो है देश के जो बंधु हैं भाई हैं, है ना, ये धर्म के नाम पे नहीं लड़ें और आप जो है कांग्रेस को कंधे से कंधा मिला करके साथ दें, आप लोग एक दूसरे को साथ दें, ठीक है, तभी जो है हम देश में आई हुई इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, है ना। और उन्होंने मुस्लिमों को कांग्रेस में आमंत्रित किया, शामिल होने के लिए आग्रह किया, ठीक है। तो ये पहला अधिवेशन था जिसमें लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप जो है कांग्रेस में शामिल होइए, ठीक है। और इसमें यह सबसे पहला अधिवेशन है जिसमें जो कार्य संचालन की जो जिम्मेदारी है वो कमिटी को सौंपा गया, समझे, और वही कमिटी
आगे चल करके विषय निर्धारणी कमेटी कहलाई कि कौन कौन से विषय पर बहस होगा, कौन कौन से विषय पे बात होगा, है ना, कौन कौन से विषय पे चर्चा सदन में पेश किया जाएगा या कांग्रेस में प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव पास किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगी, यह विषय निर्धारण निर्धारणी जो समिति है, जो कमिटी है ना, उसका काम है। ठीक है, और पूछेगा कि सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का कौन है जिसमें आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा गया, तो वो अधिवेशन कौन है, तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, मद्रास में हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था, बदरुद्दीन तैयब जी किया था, है ना। और इसमें जो है अंग्रेज जो अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी, उनकी आलोचना भी की गई, तो सबसे पहला अधिवेशन है जिसमें अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना भी की गई, है ना, अब पुस्तक भर भर के छापा गया और पूरे लोगों में बांटा गया कि देखिए क्या क्या अंग्रेज सब बुराई कर रहा है, क्या क्या गलतियां कर रहा है ना, अंग्रेज सब बौखला गया, अंग्रेज सब बौखला गया। ठीक है, अब वो चाहेगा कि कांग्रेस चले, है ना, मतलब समुन्दर में रह के और मगर, क्या कहते हैं उसको, नदी में रह के मगर से बैर, ठीक है, नदी में रह के और किससे बैर कर रहा है, मगर से बैर कर रहा है, कांग्रेस वही ना कर रही है, पूरे देश में ब्रिटिश शासन है और उस ब्रिटिश शासन में ये समा करके उससे दुश्मनी मोल ले रहा है, उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लोग भी दिमाग से काम लेते हैं, कैसे काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, आगे देखते चलिए कैसे दिमाग लगाते हैं, है ना। देखे ना कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहा तो उसने मुस्लिम को ही अध्यक्ष बना दिया, लो देखो मुस्लिम इसमें है कि नहीं है, मुस्लिम को हम वरीयता देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना, तो अंग्रेज का दिमाग सफल अभी तक नहीं होने दिया गया। अंग्रेज कहा कि तुम लोग शेर है, अंग्रेज को कहा कि तुम लोग शेर है तो हम लोग क्या है, सवा शेर है, बब्बर शेर है, ठीक है, तुम दिमाग चलाओगे तो हम भी दिमाग चला सकते हैं, है ना। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी आलोचना की गई, और इसमें पहली बार जो भाषण हुआ था इस अधिवेशन में, ठीक है, भारतीय भाषाओं में भाषण हुआ था, इसमें बहुत लोग ऐसा भी आया हुआ था जो कि अंग्रेजी नहीं जानता था तो सुनेगा का, है ना, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा में भी भाषण हुआ, समझे, यहां तक कि तमिल भाषा में भाषण हुआ था, समझे, और तमिल भाषा में भाषण देने वाले कौन है, तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, मुकना सिटी नाम था इनका, क्या नाम था, मुकना सिटी, ये मुकना सिटी जो है तमिल भाषा में भाषण दिए थे, किस भाषा में भाषण दिए थे, तमिल भाषा में भाषण दिए थे, है ना। और इसमें जो प्रस्ताव पास हुआ, सबसे पहला प्रस्ताव कि पहले जो था आर्म्स रखने पर टैक्स लगता था, आर्म्स रखने पर क्या लगता था, टैक्स लगता था, तो उस आर्म्स जो एक्ट आया था उस आर्म्स एक्ट का विरोध किया गया, ठीक है, और इस प्रस्ताव को पास किया गया। उसके बाद एक असम को लेकर के था, ठीक है, तो असम जो था चूंकि ये राज्य का मामला आ जाता था, प्रांत का मामला आ जाता था, है ना, इसलिए इसको जो है प्रांत का मामला बता करके छोड़ दिया गया, ठीक है, कि यह प्रांतीय विषय है, यहां पे अभी चर्चा नहीं हो सकती है। उसके बाद जब यह अधिवेशन हो गया तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में जहां जहां जो भाषा चलता था उस सब भाषा में पुस्तक छाप छाप के जो है सो बांटा गया आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, शिक्षित लोगों के बीच में, ताकि उनको पता चले कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, अधिकारी लोग कर क्या रहे हैं, है ना। तो जब ये चीज आम जनता के बीच पहुंची, तो आम जनता के बीच पहुंचने के बाद चूंकि अंग्रेज का उसमें बुराई लिखा हुआ था, जो गलती वो लोग किए हुए था सब लिखा हुआ था, तो अंग्रेज की आलोचना होने लगी, ठीक है, अंग्रेजों की आलोचना होने लगी, तो अंग्रेज जो है और ज्यादा खलबला गया, और वो कैसी सोच रहा है कि जैसे तैसे इसके अधिवेशन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, है ना। तो बाद में चूंकि अगला अधिवेशन होने देगा नहीं होने देगा, है ना, अंग्रेज हजार कोशिश करेगा कि हम अधिवेशन को नहीं होने दे, ठीक है। और सर सैयद अहमद खां और सितारे हिंद, ये दो व्यक्ति थे जो कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू कर दिए और मुस्लिम को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने लगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि अंग्रेज चाहेगा कि
कि भाई इसको नहीं होने देना है। अब समझिए कि कांग्रेसियों ने कैसा दिमाग लगाया, कांग्रेसी जो है पकड़ लिया एगो अंग्रेज को, ठीक है, एगो अंग्रेजों को पकड़ लिया, कहा कि ठीक है हम लोग अध्यक्ष अगर रहेंगे तो जेल जाने बंद कर देगा, अधिवेशन रद्द कर देगा। एगो अंग्रेजे को धर लिया, उसका नाम था जॉर्ज यूले, क्या नाम था, जॉर्ज यूले, आ जॉर्ज यूले को बना दिया अध्यक्ष, ठीक है। बाद में अंग्रेज जो है जगह भी नहीं दे रहा था, समझे, तो एक राजा ने जमीन दिया, वो जमीन खरीदिए के दे दिया कि लीजिए अध्यक्षता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ये सब चाल चली गई, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कहानी अगले पार्ट में, है ना, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, चौथे अधिवेशन में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और हाँ, अगर और भी किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, हम गंभीरता से सारे कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।